होके न मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एवं 12th CBSE एग्जाम 2021-22 टर्म 1 एवं टर्म 2 के वेटेज की बात करेंगे, यानी टर्म 2 एग्जाम के बाद CBSE के द्वारा किस टर्म को क्या वेटेज दिया जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। अभी तक जो वेटेज है टर्म 1 का 50% और टर्म 2 का 50%, यानी दोनों टर्म का जो वेटेज है अभी तक वो 50-50% है। दोस्तों, वेटेज की बात करने से पहले एक नज़र CBSE की पॉलिसी पर डाल देते हैं कि अभी तक CBSE की पॉलिसी कैसी रही है। विद्यार्थी हित सर्वोपरि, यानी CBSE की नज़र में छात्र छात्राओं का हित सर्वोपरि रहा है। CBSE नहीं चाहते कि छात्र छात्राओं का किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो, उसकी नज़र में छात्र छात्राओं का हित सर्वोपरि रहा है। सत्र 2021-22 को टर्म 1 एवं टर्म 2 में बांटना, कोविड-19 के कारण कोर्स को कम करना, निबंध की जगह अनुच्छेद एवं रचनात्मक लेखन करना, यानी क्लास 9th एवं 10th में निबंध लेखन की जगह पर CBSE के द्वारा अनुच्छेद लेखन किया गया, और क्लास 11th एवं 12th में निबंध लेखन की जगह पर रचनात्मक लेखन करना, टर्म 2nd एग्जाम के बाद वेटेज परिवर्तन का संकेत करना, यानी अभी CBSE के द्वारा टर्म 1 रिजल्ट की अनाउंसमेंट किया गया था, घोषित किया गया था, टर्म 1 के रिजल्ट के अनाउंसमेंट से संबंधित जो CBSE का सर्कुलर था उसमें CBSE के द्वारा साफ कहा गया है, लिखा गया है कि किस टर्म का क्या वेटेज रहेगा, वह टर्म 2 एग्जाम के बाद डिसाइड किया जाएगा। तो CBSE की इन पॉलिसी को देखते हुए, इन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमेशा से ही CBSE की नज़र में छात्र छात्राओं का हित सर्वोपरि रहा है। इन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम के बाद टर्म 1 का जो वेटेज है वो क्या रहेगा, 30% रहेगा, और टर्म 2 का जो वेटेज है वो 70% रहेगा। ऐसी उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है CBSE की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। यदि आप लगन और आत्मविश्वास के साथ परिश्रम करते हैं तो आपका परीक्षा परिणाम बहुत सुंदर हो सकता है। परिश्रम द्वारा पारी पलट सकते हैं। दोस्तों, बाजी अभी भी आपके हाथ में है, इसलिए मन लगा करके मेहनत कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मन लगा करके मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, अभी भी पारी आप पलट सकते हैं, अभी भी बाजी जीत सकते हैं, अभी भी बाजी आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।